हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप पेटीएम से मूवी टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो घर बैठे ही आप अपनी जो है टिकट बुक कर सकते हैं, जो है किसी भी सिनेमा हॉल के अंदर, जो है पेटीएम द्वारा आप ये टिकट बुक कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने बाद इसके अंदर हम लॉगिन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहां पर मिल जाता है। तो आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा टिकट बुकिंग का। तो इसके अंदर आपको बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट्स, मूवी टिकट्स, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो मूवी टिकट्स बुक करने के लिए आपको यहाँ पर मूवी टिकट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर सीधा टैप कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है अपनी सिटी। यहाँ पर आपको ऊपर मैंने अभी गुड़गांव सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉपुलर सिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके ऊपर आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर जहाँ के लिए टिकट आप बुक करना चाहते हैं वो सिटी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं उस लोकेशन को। यहाँ पर आप अपनी करंट लोकेशन के ऊपर भी जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक, अपनी करंट लोकेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर अपनी जो सिटी है वो सेलेक्ट करने के बाद, मैंने यहां पर अभी गुड़गांव की हुई है तो मैं इसी को रहने देता हूं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे, किस भाषा में आप जो है मूवी देखना चाहते हैं। तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी एक जो मैं मूवी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लो हमें ये मूवी देखनी, इसका टिकट हमें बुक करना है। तो यहाँ पर हम बुक नाउ वाले ऑप्शन पर सीधा क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आज की डेट शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस जहाँ पर भी वो जो मूवी आपने सेलेक्ट की है वो वहाँ पर जो दिखाई जा रही होगी, तो वहाँ पर आपके वही जगह आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक, जहाँ पर भी वो मूवी लगी होगी, जैसे यहाँ पर ये दो मॉल्स के अंदर शो हो रही है। यहाँ पर एक है PVR MGF मॉल गुड़गांव, एक दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी दूरी कितनी है आपसे वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। जो मूवी आपने सेलेक्ट की है उसकी आप अबाउट जो है चेक कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल मान लो 3:55 पर ये जो है यहाँ पर, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होने वाला, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला मॉल के अंदर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है आपको टाइम वगैरह शो हो जाएगा, जिस मॉल के अंदर भी आप ये कर रहे हैं वो पूरी डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगी, डेट वगैरह सभी कुछ। तो अब आपको यहाँ पर जो है अपनी सीट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अपने हिसाब से आप सीट सेलेक्ट करें। फ्रंट वाला आपको यहाँ पर प्राइम में 225 रुपये का टिकट है, पीछे करते क्लासिक में आपको 175 रुपये का टिकट बुक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है कर लेंगे, जितने भी टिकट आप बुक करना चाहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है, आगे करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से टिकट बुक कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। चलो, हम यहाँ पर एक हमने कर लिया। उसके बाद आपको नीचे बुक वन टिकट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप ओके करेंगे, एग्री करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है यहाँ पर आइटम लिस्ट शो होगी। यहाँ पर इसके लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। ठीक है, फूड वाउचर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको 500 देने होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर फूड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको अगर चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर। वैसे यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी जो कीमत है इनकी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है, आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, फिलहाल हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है, कौन सी सीट आपने ली है, कितने का टिकट है, फीस क्या है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल होता है 203 रुपये, 175 रुपये की टिकट हो गई और 28 रुपये की जो है कुछ यहाँ पर ये फीस हो चुकी है। आप चाहे तो फिर से यहाँ से कोई फूड जो है यहाँ पर एंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 203 रुपये हो गया। उसके नीचे आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो कोई कैशबैक वगैरह, अगर आप कोई ऑफ़र मिला आप उसको अप्लाई
कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमें यहाँ पर कुछ जो है बेनिफिट इसका मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड वगैरह है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है, यहाँ पर इंटर प्रोमो कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप कोई आपको कूपन वगैरह मिला हुआ है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सभी पूरी डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने बाद आप अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। आप यह पेमेंट जो है किस तरीके से करना चाहते हैं, जो भी आप पेमेंट करेंगे अपने डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके से आप यह पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपना यूपीआई पिन नंबर वगैरह भरेंगे, जो भी जिस तरीके से भी आप पेमेंट कर रहे हैं अपने कार्ड की डिटेल भरनी होगी या फिर अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा। तो जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे तो आपका जो टिकट है वो सक्सेसफुल कम यहाँ पर बुक हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी इसको बुक नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पेटीएम से जो है कोई भी मूवी टिकट बुक कर सकते हैं।